नसरुल्ला गंज क्षेत्र के एक छोटे से गांव ग्राम बाई बॉडी की रहने वाली निकिता चौहान ने मार्च 2020 को मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन परिसर इंदौर में अपने 100 सदस्यों के साथ मिलकर इंदौर के प्रसिद्ध राजबाड़ा की कलाकृति बनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ यूनाइटेड किंगडम लंदन में अपना नाम दर्ज कराकर क्षेत्र का नाम किया रोशन। इंदौर में हुई इस प्रतियोगिता में अनुपयोगी 6000 जीन्स का उपयोग कर 10000 वर्ग फीट के ग्राउंड में इंदौर के राजवाड़ा की कलाकृति बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अनुपयोगी जिन से कलाकृति बनाकर मिसाल पेश की है, जिसको बनाने में 100 सदस्यों की टीम को 24 घंटे का समय लगा। वही निकिता चौहान ने बताया कि एक छोटे से गांव की रहने वाली है और शुरू से ही उन्हें पेंटिंग बनाने में काफी रुचि रही, जिसके चलते आज उन्हें विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली इस पेंटिंग में भाग लेकर उन्होंने अपना वो पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया, जिसका श्रेय वो अपने माता पिता और गुरुवार को देती हैं। वही मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बचपन से ही उनकी रुचि पेंटिंग के क्षेत्र में रही है, जिसमें उनके परिवार वालों ने उनका भरपूर सहयोग किया, जिसके कारण उन्हें एक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का गौरव हासिल हुआ है। ड्रॉइंग पेंटिंग में बहुत मतलब मेरा ऐसा है कि बहुत ड्रॉइंग पेंटिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस सपना रहा है कि मैं कुछ इसी फील्ड में, इसी क्षेत्र में, आर्ट के फील्ड में ही कुछ बड़ा करके दिखाऊं, अपने पापा का, अपने परिवार का नाम रोशन करूं। हम लोग ये सब 100 लोग मिलकर ही करने वाले हैं। पहले ऐसा लगा कि शायद कुछ फेक हो, लेकिन जब रिस्क उठा ही लिया था तो हम लोग सारे मिलके उस पेंटिंग के लिए मीटिंग में गए। वहाँ इतना सारा जीन्स देख कर बहुत मतलब मजा आ गया कि ये कुछ नया, कुछ बड़ा होने वाला है। 1 मार्च को हम लोग वहाँ पर जब गए तो जो एरिया था 10000 स्क्वायर फीट, एक अनुमान भी नहीं लगा सकते थे हम लोग कि हम इतना बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। बोलते ना, अरे हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ग्राउंड देखा तो एक बार तो लगा कि बाप रे, ये होगा कैसे इतना बड़ा एरिया में, इतना जीन्स के मतलब ऐसे ब्रश से तो कोई भी बना देता, जीन्स का यूज करके पेंटिंग बनाना मतलब हम लोग के लिए भी नई बात थी। लेकिन हम लोग जब एक साथ मिलके हमने उस चीज को किया तो 24 घंटे में हम लोग ने उसको पूरा करके दिखाया। कितनी जीन्स का उपयोग हुआ था? 6000 जीन्स। तो जैसे 10000 स्क्वायर फीट में आपने इसको बनाया, कितने सदस्य इसमें लगे थे? 100 लोग। पैकिंग के थ्रू, जैसे आजकल बहुत चल रहा है सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, बस वैसे ही सर ने एक पहल की सबको जोड़ने की, एक के थ्रू चेन बनती चली गई। मुझे मेरे दोस्त ने बताया, मैंने किसी और को जोड़ा, फिर सर ने सेलेक्ट किए सब लोग को कि सबका काम अच्छा है, जिन जिनों का काम अच्छा था उन लोग को सर ने लिस्ट में लिया। और पूरे फिर 100 होने के बाद हम लोग ने मतलब प्रैक्टिस तो एक नाम मात्र की कुछ नहीं, हमने जीन्स काटने में इतना टाइम लगा दिया, लेकिन जो हुआ सिर्फ 1 मार्च के दिन हमारा फाइनल डे था। उस दिन हमको कैसे भी बस जुनून ये सवार था कि आज तो कैसे भी बस इस पेंटिंग को बनाना है। जीन्स का जैसा आप बता रहे हैं तो कहाँ से अरेंज की गई थी ये सभी? ये दुबई से और अपने इंडिया के कहीं जितने भी राज्य थे सभी जगह से लगभग हम ही लोगों ने एकत्र किया है। गांव-गांव में मैंने तो अपने गांव में एक थैला लेके बस सबको बोल दिया कि मुझे जीन्स का चाहिए। बनी है बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग बनी, लेकिन वो कलर के थ्रू बनी है या फिर किसी और मीडियम में बनी है, लेकिन जीन्स से वो भी सिर्फ एक कट पेस्ट कर रहा है, हमको कोई सिलाई नहीं की, हमने उसमें सिर्फ कटिंग करके प्लेसमेंट की है और राजवाड़ा का चित्र बनाया है। ये पहले तो क्या है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड का ऐसा है अचानक से बनता है, तो जो पहले बना वो ऑनलाइन इस चीज को बहुत पहले से, जब सर ने पहल की थी तब से ही वो नजर रखे हुए थे कि वहाँ बच्चे कैसे क्या बना रहे हैं। तो जैसे ही 5 बजे तक का हमको ऐसा था कि कंप्लीट करके इनको वहाँ पर वो फुटेज जाना चाहिए, तो 5 बजे जो फुटेज वहाँ पर गया ऑनलाइन, जब उन्होंने देखा जैसे डॉक्यूमेंट फाइल वहाँ भेजा उस फोटो का, उस चित्र का, तो उनका मैसेज आया कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हो और अभी 10-15 दिन के अंदर अंदर जितने भी 100 आर्टिस्ट हैं उन सभी को प्रॉपर उनके पर्सनल सर्टिफिकेट नाम के साथ दिए जाएंगे और वो एक बड़े इवेंट होगा जिसमें लंदन की टीम भी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अजय रक्षण चौहान। कहाँ के निवासी हैं? भाई बोली। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बचपन से मैंने एक ईमानदारी से, मैंने जो भी काम किया ईमानदारी से किया और बच्चों को मैंने ये कहा कि बेटा कोई भी काम करो तो ध्यान लगा के, मन लगा के करोगे तो अपने मुकाम पे पहुंच जाओगे।
मैंने तो बच्चों को यही कहा कि बेटा तुम्हारी क्या रुचि है, अपनी रुचि के अनुसार जब काम करता है कोई बच्चा तो अपने हिसाब से वो जिसमें उसकी रुचि होगी वही काम वो कर सकता है अच्छी तरह से मन लगा के। और मैंने उसको कभी भी, उसने जो भी काम किया उसमें कभी मैंने उसको रोका नहीं, मैंने बनते कोशिश जो मेरे से बन सका वो उसका उत्साह बढ़ाने के लिए मैंने वही करा जो